आज तुम्हें मैं प्यार करूंगी मेरी जान। स्वीटी, जल्दी खाना लाना बाबा, मेरे को जोर से भूख लगी है। ला रहे हूँ बाबा। तुम्हें तो हर काम में जल्दी पड़ी रहती है। एक तो मुझे टेंशन है, मेरी तो फटी पड़ी है। फटी पड़ी है? फटी पड़ी है मतलब? अरे फटी पड़ी है मतलब काम का बहुत लोड है, और तुम लोगों ने जो शाम को पार्टी रखी है ना, उससे तो मेरी और फट जाएगी। अरे ये तो कुछ भी बोलती रहती है यार। हंसो हंसो, तुम्हें तो मैं शाम को बताऊंगी। भाइयों, नारी बचेगी तो नर बचेगा। नर की खान है नारी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भैया, कन्याओं की रक्षा करो और बेटियों को बचा लो भैया। पर नेता जी, हमारे गांव में बेटे कम हैं और बेटियां बहुत ज्यादा हैं। तो क्या बेटियों को मार दोगे, गला घोट दोगे उनका? भाई मियां, बेटियां हैं तो कल है, कल कल है, हलचल है, चहल पहल है, दिल है, दिल की धड़कन है, हाथों में कमल है। अंदर बुला रही है। भाइयों, बाकी बातें कल, ठीक? अब मैं सोने निकल रहा हूँ, आप सब भी निकल लो। अब भाइयों, वंदे मातरम। चलो ठीक है नेताजी, अब हम भी चलते हैं। अरे ऐसे काम में लेट मत करा कर भैया। कैसी है बता तो सही। फुलझड़ी है फुलझड़ी, बहुत दूर से लाया हूँ सर, आप तो मजे करो सर। लाल छड़ी फुलझड़ी मेरे बिस्तर पे पड़ी, चल निकल ले, निकल निकल निकल। इठला रही है दिल जली, नागिन की तरह बल खा रही है। पास तो आओ, सब कुछ पता चल जाएगा। कंडोम की तरह कौन बीच में आ गया? अरे भैया, ये तो पार्टी अध्यक्ष है। निकलो निकलो, चादर लपेट लो। भाई मियाँ, मैं तो कह रही हूँ चादर। पास तो आओ नेताजी, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई हूँ। भैया चादर लपेट लो। चादर लपेट लो, हम चादरें उतारती हैं।
चादरें बदलती हैं, चादरें तो लपेटते हैं आप जैसे नेता। हेलो भैया जी, भैया जी हम बोल रहे हैं, कसम से हम आपको याद ही कर रहे थे पान खा के। भैया जी जब जब भी पान चबाते हैं कसम से आपको बहुत याद करते हैं। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ तो हम कतई बोलते नहीं। झूठों के दरबार में यही एक सच्चा है साला नेता भोपाली। आया आया। कौन है वो जो इतनी बेरहमी से हत्याएं कर रहा है, कौन है वो? हमारे गांव में शहर से कुछ क्रिमिनल्स घुसा है लाला भाई। क्रिमिनल्स? अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? शहर में गुंडा पकड़ो अभियान चल रहा है। गुंडे बदमाश आसपास के गांव में नहीं छुपेंगे तो कहां जाएंगे? बेवकूफ हो तुम लोग, कोई भी क्रिमिनल कभी पुलिस के डर से नहीं छुपता, और यदि छुपता है तो वारदात नहीं करता। हाँ तुम लोग समझते नहीं हो, लाला भाई सही कह रहे हैं। फिर वो कौन है जो जल्लाद की तरह मर्डर पे मर्डर किए जा रहा है? कोई भूत या चुड़ैल? मुझे मालूम पड़ गया है कि ये वारदातें कौन कर रहा है। कौन है वो? कौन है वो? वो आदि मानो। ये एक सड़ियल जोक है, इसे मजाक मत समझो। तिनछा फाल के जंगल में एक आदि मानव ने एक इंसान को उठाकर ले गया, और उसके कुछ देर बाद उसका वहीं पे हाड़ पिंजर मिला। फिर उसका मांस कहाँ गया? आदि मानव उसे भूनकर खा गए होंगे, पता नहीं कितने आदि मानव हैं। ऐसा हो सकता है लाला भाई, हमें पुलिस से बात करनी चाहिए। चलो चलो लेट्स गो। चलो। ये पुलिस का नाकारापन है, जब भी सवाल करता हूँ एक ही जवाब देते हो कि खबरी पता लगा रहे हैं। क्या पता लगा रहे हैं? मुझे हाई कमान को जवाब देना है, समझे तुम करण? यस सर। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। कहो क्या कहना चाहते हो? सर ये मर्डर मिस्ट्री के पीछे आदि मानव लोगों का भी हाथ हो सकता है। आदि मानव की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? सर पिछली बार भी कांताबाई का बच्चा आदि मानव उठाकर ले गया था। नॉनसेंस, यही कहने के लिए मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया तुम लोगों ने? सर नाराज मत होइए, जिस ढंग से ये हत्याएं हो रही है लग रहा है कोई बड़ी ताकत है। ये लोग ठीक कह रहे हैं सर। सर ये थ्योरी फेल भी मान ली जाए तो क्या ये नहीं हो सकता कि कोई ना कोई हत्याएं कर रहा है? कुछ भी हो सकता है, मुझे रिजल्ट चाहिए। यस सर। सर कहीं से कुछ आवाज आ रही है, लगता है कुछ शोर शराबा हो रहा है। सर ये चिल्लाने की आवाज कैसी है? पकड़ो उन्हें। सर कैसे पकड़ेंगे उनको, भयानक जंगल है, इस जंगल में कैसे ढूंढेंगे उनको? Thank you.
मिस्टर अक्षय, तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी है, इसलिए तुम्हें ऐसे विजन हो रहे हैं। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। दिस इज ए नॉट ए विजन, दिस इज ए ट्रुथ। तो नेचुरल लाइफ में नहीं होते। ठीक है सर, आप मुझ पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन यही सच्चाई आप अपनी आंखों से देखेंगे। सर, अक्षय की थ्योरी पर काम करे तो कोई हर्ज है? ओके करण, हम अक्षय की थ्योरी भी देखते हैं। क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारा, फिक्र क्यों कर रही हो? सच में मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? कसम से नहीं जाऊंगा, कसम से। ठीक है, मुझे मत छोड़ना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ठीक है। चलो उधर से आराम से। यार मजा आ गया। अरे हाँ यार, हमने देखा। चलो चलो, लड़कियां होती तो और मजा आता। अरे चलो चलो, पानी में कूदते हैं। अच्छा लग रहा है यार। अरे सब मेरी बात सुनो, जंगल में अकेले मत घूमना, ठीक है? सुनो सुनो, क्या क्या चलो। अरे यार इधर आओ, जब भी घूमना मेरे साथ में घूमना, अकेले मत घूमना, ठीक है? हाँ हाँ बोलो। क्या कर रही हो? क्या तू मेरा रेप करेगी? मर ही कमजोर तना हसीना से रेप कर सकता है, लड़की बलात्कार नहीं कर सकती है। अब तू किसी काबिल नहीं रहेगा। दीपा तुम मैं ही दीपा हूँ, पहचाना मुझे? मैं अपना बदला लेने आई हूँ। आ
जिस हथियार से मर्द औरतों को डराता है वही हथियार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ऐसा लगता नहीं कि उसका मर्डर हुआ है, लगता है कि अभी भी वो हमारे आसपास है। वो कौन है जिसने बबलू को इतनी डेंजर मौत दी है? अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। कौन है वो? सबको अपने पाप का दंड मिलता है। क्या भक्ति है तू? तेरा मतलब है कि बबलू ने क्राइम किया था? मेरा मतलब ये नहीं है लाला। फिर क्या मतलब है तेरा? लाला, मेरा मतलब ये है, आखिर जिसने भी बबलू की हत्या की है उसे दंड तो जरूर मिलेगा। आखिर वो कातिल कानून से बचकर जाएगा कहाँ? सिर्फ एक बार कातिल मेरे इन हाथों में लग जाए, फिर मैं उसे बताऊंगा।